मराठा साम्राज्य के विस्तार का प्रतीक और भारत की सीमाओं के पार मराठों की बहादुरी के गवाह पाकिस्तान के अटक किले की हूबहू प्रतिकृति राज्य में पहली बार महल में बनाई गई है। 20 जून को नागपुर के महल में इस भव्य किले की प्रतिकृति का निर्माण शिवराज्याभिषेक दिवस के अवसर पर किया गया है, जो तिथि के अनुसार मनाया जाता है। मराठा स्वराज्य का विस्तार कर उसे एक साम्राज्य में बदलने वाले छत्रपति थोले शाहू महाराज की कूटनीति और मराठों के पराक्रम का प्रमाण पाकिस्तान में किला अटक है। किले की एक हूबहू प्रतिकृति जो भारत के बाहर मराठा शक्ति की सफलता की कहानी बताती है। राज्य के प्रथमज महल में किला प्रतिष्ठान द्वारा बनाई गई है। यह प्रतिकृति इस समय किले के प्रेमियों और नागरिकों के लिए एक बड़ी घटना बनती जा रही है। इसके साथ ही इस जगह पर देश भर के 350 से ज्यादा किलो की तस्वीरें खींची गई है। श्री शिवराज अभिषेक सोहरा समिति महल नागपुर एवं किलेदार प्रतिष्ठान हमारे गौरवशाली इतिहास को सबके सामने लाने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से यह सराहनीय गतिविधि संचालित करी है। इस वर्ष शिवराज अभिषेक दिवस का 351वां वर्ष है और इस अवसर पर किले की प्रतिकृति का निर्माण किया गया है। श्री शिवराज अभिषेक सोहरा समिति महल नागपुर दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी शिवराज्याभिषेक सोहळा, शिवाजी महाराजांचा 351वा शिवराज्याभिषेक सोहळा मोठा थाटामाटात या येत्या 20 तारखेला नागपुरात साजरा होणार आहे। त्याचे औचित्य साधत दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी किल्लेदार प्रतिष्ठानद्वारे शिवाजी महाराजांचे किल्ले इथे निर्मित केलेले आहे। त्यामधला एक अटकचा किल्ला जो मूळचा पाकिस्तानमध्ये आहे तो किल्ला आम्ही इथे तयार केलेला आहे। तसेच रायगडवरच्या बऱ्याचशा वस्तू जसं की छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी, माँ जिजाऊसाहेबांची समाधी, शिरकाई देवी, जगदीश्वर मंदिर या वास्तूसुद्धा आम्ही इथे लोकांच्या प्रदर्शनीसाठी ठेवलेल्या आहेत। आमचा मुख्यतः हा हेतू असतो दरवर्षी की ज्या वयस्कर लोक असतात किंवा जे बाल मुलं असतात ते जे रायगडापर्यंत पोहोचू शकत नाही त्या लोकांना या शिवाजी महाराजांचा इतिहास माहीत व्हावा व त्यांना या सर्व्या गोष्टीची जाण राहावी म्हणून हा मुख्य हेतू आम्ही दरवर्षी इथे करत असतो, तो यावर्षी आम्ही इथे केलेला आहे। आणि तसेच 350 किल्ल्यांचे जे फोटोज आहे जे वेगवेगळ्या गडकिल्लेप्रेमींनी काढलेले आहे त्या गडप्रेमींचे फोटोची प्रदर्शनीसुद्धा त्या इथे आम्ही लावलेली आहे आणि आजपासून त्या प्रदर्शनीची सुरुवात झालेली आहे। येत्या 30 तारखेपर्यंत या प्रदर्शनीची सांगता होईल। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।